हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय वंडर बॉक्स। और अभी तक सारे वीडियोस आप लोग इतने पसंद कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। आज का वीडियो कुछ थोड़ा बहुत अलग होने वाला है। अलग होने के कारण ये है कि आज का जो वीडियो है वो कोलैब वीडियो है। ये वीडियो जो है पार्ट सेकंड है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट कहाँ से आ गया, तो पार्ट फर्स्ट भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपको मेरे चैनल में नहीं देखने को मिलेगा, आपको किसी और के चैनल में देखने को मिलेगा। वो किसके चैनल में देखने को मिलेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मेरे कैमरे के साइड हैं मिस्टर अजय, और इनका खुद का YouTube चैनल है फूड एक्सप्लोर के नाम से, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जयपुर फूड एक्सप्लोर के नाम से, नीचे डिटेल्स आ गई होंगी। डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप इनके चैनल में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, और इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो देख सकते हैं। पहला पार्ट जो है वो हम वड़ा पाव के ऊपर कर रहे हैं। बेसिकली हम एक टेस्टिंग के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर में अभी वड़ा पाव का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड भी जयपुर में आ गए हैं वड़ा पाव खाने के लिए, मतलब खिलाने के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है और किस तरह से बेस्ट है। ऑलरेडी हम दो वड़ा पाव टेस्ट कर चुके हैं। उसका वीडियो आपको इनके चैनल में मिलेगा, तो आप पहले अगर चाहें तो इनके चैनल में जाके वो दोनों वड़ा पाव को के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और हम वहाँ पर बताएँगे आपको कि वहाँ का वड़ा पाव कैसा है। और बाकी दो जगह के जो नए वड़ा जो एरिया हैं वहाँ का वड़ा पाव जो है हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे, इस एपिसोड में बताएंगे आपको। तो अभी जो हम थर्ड, क्योंकि दो ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं इनके चैनल में वो वीडियो है, अभी जो हम थर्ड जो वड़ा पाव खाने वाले हैं वो उसका नाम है गोली वड़ा पाव, राइट? गोली वड़ा पाव में हम जा रहे हैं, तो पीछे ही गोली वड़ा पाव है, तो अभी हम वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं। अगर अंदर लाओ होगा तो ठीक है, नहीं तो हम चुपचाप से खरीद के आ जाएंगे और बाहर आपको खा के यहीं पर यहीं आपको बता देंगे कि गोली वड़ा पाव का वड़ा पाव कैसा है और कितने टाइप के वड़ा पाव ये लोग बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। मतलब ये कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हमने तो नॉर्मल क्लासिक वाला ही लिया है, जो नॉर्मल बिना फ्राई वाला वड़ा पाव होता है, तो पहले वो ऑर्डर किया हमने, 33 रुपये का है, तो देखते कैसा है। फाइनली मेरा जो क्लासिक वड़ा पाव है वो आ गया है, और इसको ट्राई एक बार बैठ के करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ये जो वड़ा पाव है ना, ये इस तरह से रैप होके आता है, जैसे इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग रखा हुआ है उन्होंने, जैसे डोमिनोज वगैरह में या मैकडोनल्ड वगैरह में जिस तरह का कंसेप्ट रहता है ना, उसी तरह से सर्व भी होता है, उसी तरह से इन्होंने अपने चेन भी बना रखे हैं, जिस तरह के मैंने अभी दिखाया आपको, शायद नहीं दिखा तो मैं वापस से दिखा दूँगा आपको। और ये इस तरह से पूरा पैक करके प्रॉपरली सर्व होता है। मैंने वैसे ही नॉर्मल वाला ही वड़ा पाव मंगवाया था, एक बार वड़ा पाव के अंदर देख लेता हूँ मैं क्या क्या है। ओके, इसको बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में रखा है इन्होंने, बिल्कुल कुछ भी इनके साथ इन्होंने छेड़छाड़ नहीं करी है। जो ऑथेंटिक वड़ा पाव होता है, नॉर्मल जो मसाला, ड्राई मसाला और वड़ा पाव, साथ में ये मिर्ची, दैट्स इट। इसको ट्राई करते हैं। सिंपलिसिटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल है, और टेस्ट इसका ना मिर्ची है, क्योंकि मुझे बेसिकली मिर्ची में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन्होंने जो है मिर्ची को लेकर बिल्कुल भी मुझे नाखुश नहीं किया है, मेरे को खुशी किया है इन्होंने, तो मेरे लिए ये परफेक्ट है फॉर ब्रेकफास्ट। ₹33 का है ये नॉर्मल वाला बड़ा पाव। अभी इसको मैं फटाफट खत्म करता हूँ, अब ख़त्म करने के बाद हम देखते हैं आगे और कहाँ जा सकते हैं। सुना है घुंगरू, क्या नाम था, घुंगरू से बड़ा पाव, हाँ
सुना है घुंगरू सेठ बड़ा पाव नाम से भी एक है बहुत फेमस, तो उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं, एक यहाँ पे भी है पास में ही और एक थोड़ा सा दूर है, तो अभी हम डिसाइड करेंगे खाते खाते कि आप हमको आगे कौन से वाले ब्रांच में शूट करना है। फाइनली मैं वड़ा पाव सीरीज़ के फोर्थ और मेरे वीडियो के सेकंड स्टोर में आ गया हूँ। पीछे वड़ा पाव है घुंगरू सेठ वड़ा पाव, और इनका जो मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि इनका जो मेन्यू है बड़ा शानदार है, मेन्यू पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है। घुंगरू क्लासिक है, जो बेसिक वाला वड़ा पाव है उसको घुंगरू क्लासिक बोला है इन्होंने। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है, पता नहीं इसमें इन लोगों ने क्या क्या डाला है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में, क्या चीज़ें हैं। और बहुत सारी इन्होंने जो है कैरी पुदीना का भी कुछ ड्रिंक बेवरेजेस वगैरह भी हैं इनके, काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने चटपटा जो देसी जो होते हैं शिकंजी टाइप के, इस टाइप के इन्होंने बेवरेजेस वगैरह भी दे रखे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। तो मेरा तो टारगेट वही वड़ा पाव है, और वड़ा पाव यहाँ पे लास्ट में हम इस घुंगरू वड़ा पाव में आए हैं। बहुत सारे आउटलेट्स हैं इसके जयपुर में, तो पहले जो हमारा जो बेसिक वाला है कौन सा घुंगरू क्लासिक वड़ा पाव, इसकी जो प्राइसिंग है वो भी मैं बता देता हूँ, वो है 25 रुपये। तो पहले अंदर चलते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं और आगे की बात आपको बाद में बताते हैं। चलिए, जो घुंगरू सेठ है पूरा मुंबईया स्टाइल में है ये पूरा आउटलेट, और जो तैयार होते हैं ये भी पूरा जो सर्व करने का तरीका है आप खुद देखिए इनको। तो ये मेरे लिए जो है वड़ा पाव लेकर आए हैं, थैंक यू भैया। ये जो है वड़ा पाव लेकर आए हैं मेरे लिए, बिल्कुल टिपिकल क्लासिक घुंगरू क्लासिक वड़ा पाव, और साथ में इन्होंने ये केचप भी दिया है। तो अभी इसको ट्राई करते हैं अंदर जाके, मतलब कि बाहर खड़े होकर ट्राई करते हैं इसको। चलिए, तो फाइनली वड़ा पाव आ गया है, और एज यूजुअल जैसे हमने पहले वाले में देखा था गोली वाले में, वो भी रैप करके दिया था उन्होंने, इन्होंने भी रैप करके दिया है, लेकिन इन्होंने खुद की ब्रांडिंग के साथ रैप करके दिया है। यहाँ पे घुंगरू सेठ वड़ा पाव लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको खोल के देखते हैं। ये दिखने में है ना बिल्कुल टिपिकल लग रहा है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक मुंबईया वड़ा पाव होता ना, ये वही चीज़ लग रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो वड़ा है इन्होंने, ये अभी इन्होंने हैंड टू हैंड फ्राई करके दिया है, ये जो वड़ा है पूरा फ्राई करके दिया है, और ये बहुत ज़्यादा क्रंची बनाया है, बहुत क्रंची है ये, मतलब ज़्यादा फ्राई किया गया है इसको बहुत ज़्यादा। तो इसको अब टेस्ट करते हैं। सो फाइनली हमारा जो वड़ा पाव का जो सीरीज़ है वो हमारा यहाँ पे जाके घुंगरू सेठ में जाके ख़त्म हुआ। अजय, हमने ये सक्सेसफुली डन किया पूरा का पूरा जो हमारा मिशन था, ठीक है। अब बताओ कि क्या तुमने ऑब्जर्व किया है चारों जगह का खा के, क्योंकि हमने हर जगह का ही थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया है आधा आधा, तो बताओ अजय। मुझे चारों जगह के बेटर लगे, लेकिन अगर नो डाउट वैसे टेस्ट वाइज तो चारों बहुत अच्छे हैं, अपने अपने फ्लेवर में सब अच्छे हैं, उनका खुद का अपना अपना एक टेस्ट था, अपना अपना अलग तरीका था। और अगर मैं एनी टू अगर आप मुझे कहेंगे सिलेक्ट करने को, तो जो गोली खाया था हमने, गोली खाई थी रिद्धि सिद्धि तराई के ऊपर, वो मुझे अच्छा लगा, और यहाँ का मुझे काफी बेटर घुंगरू सेठ, घुंगरू सेठ का सबसे अच्छा है। और ये बेटर इसलिए भी है क्योंकि घुंगरू सेठ का जो वड़ा पाव है उसमें जो ये वड़ा बनाते हैं वो पर ऑर्डर में हैंड टू हैंड वड़ा, हाँ वो जो वड़ा है उसको एक्स्ट्रा फ्रेश और था, वो फ्रेश था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो फ्राई किया था, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा क्रंची हो गया है ना, और मसाला वसाला सब बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में, राइट। और क्योंकि इन लोगों का गेटअप भी ऑथेंटिक ही है जैसे कि आप लोगों ने देखा, बिल्कुल मुंबई स्टाइल, टोपी हाँ हाँ और भाव, बिल्कुल भाव स्टाइल। और दूसरा मेरे को जो सबसे अच्छा लगा था वो लगा था अपना भैया जो है ना, भैया मेरे घर के पास जो हमने फर्स्ट जो दीपक भैया हैं, जो इनके वीडियो का जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें जो हमने जब सबसे पहले जिसका खाया था, जो ठेले में था, वो ठेले में होने के बाद भी वो अच्छे खासे ब्रांड लोगों को, जो ब्रांड हैं उनको टक्कर देता है वाकई में। उसने अपने दो तीन साल हो गए, लेकिन उसने अपने जो क्वालिटी को है पूरा मेंटेन रखा है। तो बाकी मैं एक तो इसको और नंबर वन, तो हम दोनों का नंबर वन
घुंगरू ही है, घुंगरू सेट ही है, बाकी टू में हम दोनों के बीच थोड़ा सा अलग अलग थॉट्स हैं। गोली का मुझे काफी उसका साइज भी बड़ा था और उसके अंदर वो बूंदी डाली हुई थी उससे काफी इनहेंस हो गया था उसका टेस्ट। हाँ हाँ हाँ। और दीपक भैया वाला भी अच्छा था। अब बाकी गोटी भी अच्छा था, गोटी भी अच्छा था, गोटी में भी काफी अच्छा था, उसने भी काफी साइज वाइज गोटी काफी अच्छा था, उसने साइज काफी अच्छा दिया, टेस्ट भी अच्छा था, काफी ना मिर्ची थी ना कुछ था। तो बहरहाल ये आप लोग जो सीरीज है हमारी वो कैसी लगी आप लोग बताइएगा। आप प्लीज अजय के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके साथ साथ में टॉप फाइव जैसे अभी हमने वड़ा पाव का बनाया और हम किस टॉप फोर बनाया अभी तो हमने टॉप फोर बनाया जैसे ये तो किस किस चीज का हम लोग बना सकते हैं उसका आप हमको सजेशन दे सकते हैं कमेंट करके मेरे चैनल पे इनके चैनल पे तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर भी बनाएंगे। और ये कोलैब वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज बताइएगा। अगर अगर आपको अच्छा लगा तो हम आगे और कोशिश करेंगे और कोलैब वीडियोस बनाने के लिए और भी लोगों को हम अपने साथ जुड़ेंगे। अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कंसेप्ट को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय बाय।